हाँ भाई, क्या हाल है आप सबके? ठीक हो? ओए, पूरा का पूरा पेयर बाहर बैठा है। बाहर आने की आदत लग गई ना आप लोगों को, इसलिए मैं बाहर नहीं निकालता था इनको यार। अब इनको हर टाइम यही दिल करता है कि बस इनको बाहर फिराते रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। ये दरवाज़ा आपको खोल दिया है, बाहर आ जाओ। पहले मुझे बच्चे दिखा दो भाई, बच्चे कैसे हैं आप सबके? ये वाला बच्चा कैसा है? अरे माशाल्लाह यार, कितना बड़ा सारा हो गया। इसको भी जरा हाथ पे उठाते हैं। माशाल्लाह से यार, कितना बड़ा सारा हो गया यार। इतना इसको फुल फीड करवाई हुई है, तभी तो भाई इसके पेरेंट्स बाहर फिर रहे हैं। इसको फुल फीड करवा के इसको छोड़ दिया, और माशाल्लाह दिनों दिनों में यार कितना बड़ा सारा हो गया। और पता है जो हमारा वो वाला है, उसके भाई पर चेक करें, ये गया अपनी माँ पर जाने वाला है भाई। माशाल्लाह से देख रहे, प्योर पूरा वाइट है, और पीछे से जो इसकी जो टेल है वो ब्लैक बनेगी। हाँ, क्या हाल है आपके? ठीक हो? वही मारते, वही ये मारने लग गया यार। देख रहे हो कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। एक दफा ये बड़े हो जाएं, ये भी बाहर निकल के उड़ना शुरू हो जाए, और यहाँ से ये वाला भी बड़ा हो जाए, बाहर निकल के फिरना शुरू हो जाए, फिर हम पूरे की एक दफा अच्छे से सफाई कर देंगे, ताकि ये दोबारा से अंडे बच्चे दे सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो भाई हमने केज खोल दिया, और इन सब के काम चेक करो, कैसे पीछे पीछे भागे भागे आ रहे हैं। अभी इनको खोल दिया है, और वहां से अपना इन वाले कबूतरों को भी खोल देते हैं। और भाई रैबिट्स का पता है क्या, घर वालों ने मुझे बताया कि एक जो खरगोश था वो हमारा यहाँ से निकला और इसके केज में आ गया, और बहुत ज्यादा वो भाई घबरा गया था, डर गया था। मैंने पता है क्या सोचा यार, हम इनका परमानेंट ना बंद कर देते हैं। ये जो सुराख हमने रखे हुए हैं, ये जो सुराख हमने हवा के लिए छोड़े थे, ताकि हवा की क्रॉसिंग अच्छे से होती रहे, हम इनको परमानेंट यार बंद कर देते हैं, ताकि कोई मजीद नुकसान ना हो सके। इस मुर्गे ने एक खरगोश का बच्चा मार दिया था, हमारा रैबिट्स का एक बच्चा मार दिया, तो भाई अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता यार। इतने प्यारे क्यूट क्यूट से, आ जाओ आ जाओ, आप लोग भी बाहर आ जाओ, पहले आप लोग ही बाहर आ जाओ यहाँ से। और इधर से हमारे कबूतर बाहर फिर रहे हैं, और उधर से इधर वाला पेड़ को भी बाहर खोल देते हैं, ताकि भाई ये भी जाके उनके साथ थोड़ी देर फिर लें, खा लें पी लें, फिर इनको बंद कर देंगे। अरे 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 अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे खुशी भी हो रही है, और मुझे समझ भी नहीं आ रही यार कि इसने अंडा यहाँ पर क्यों दिया। वो वहाँ पर बैठी है, और अंडा इसने यहाँ पर दे दिया यार। माशाल्लाह से यार, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इसने अंडा यहाँ पर दिया है यार, अंडा बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है, और खुद वहाँ पर बैठी है। आप वहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? हाँ मुझे दिखाना जरा, क्या बात है, मुझे दिखाओ। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर भी अंडा दिया हुआ है यार इसने। वो देखो, एक अंडा वो रहा, और एक अंडा यहाँ पर दे दिया, लेकिन अलग अलग क्यों दिया? अच्छा ये लो आपका दूसरा अंडा भी, ये लो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, गिराना नहीं है ठीक है, अंडे को अच्छे से इनके वेट करना है यार। माशाल्लाह कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों यार, माशाल्लाह से यार। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं गया हुआ था आउट ऑफ सिटी, और अभी अभी आया हूँ, और मैंने आते ही देखा है भाई, माशाल्लाह से हमारे ही कबूतरों ने फाइनली अंडे दे दिए यार, दोनों के दोनों अंडे दे दिए। इसका मतलब एक एग इसने रात को दिया होगा, और एक जो अंडा है इसने अभी दिया होगा, थोड़ी देर पहले बाजरा खाने आई होगी, तो इसने यहीं पर ही अंडा दे दिया। बहुत ज्यादा टाइम बाद यार हमारे ये ब्राउन पेयर ने अंडे दिए, और भाई इनको मैंने कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दिया, ये नेचुरल है। और माशाल्लाह से भाई फाइनली इतने टाइम बाद कि हमारा उसका एक जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, दूसरे वाले का भी बच्चा निकल आया, और अब जाके इसने भाई अंडा दिया। अब वो थोड़ा सा ना डर गई है, अभी अंडों पर नहीं बैठ रही, लेकिन कोई ना यार, बैठ जाएगी। अब माशाल्लाह इसने दोनों अंडे दे दिए, तो भाई अभी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जल्दी जल्दी से अच्छे से केयर करे। बस यार दुआ करते हैं, आप लोगों ने भी दुआ करनी है, मैं भी दुआ करता हूँ कि इसके दोनों के दोनों बच्चे निकल आए, फिर इंशाल्लाह यार हमारा यार बहुत ज़्यादा दिल था कि हम पहले वाइट वालों में से किसी एक का बच्चा हैंड टेम करेंगे, फिर ब्लैक वालों में से उन दोनों का एक एक तो अंडा ख़राब हो गया, इनों का एक एक बच्चा निकला। लेकिन खैर माशाल्लाह से यार फाइनली इसने अपने दोनों अंडे दे दिए, तो इंशाल्लाह अगर इसके दोनों के दोनों बच्चे निकल आए तो हम इनका एक बच्चा उठा लेंगे, और इंशाल्लाह वो लाजमी से हैंड टेम करेंगे। बाकी भाई माशाल्लाह हमारे रैबिट्स यार बिल्कुल ठीक हैं। घर वाले बता रहे थे कि जो एक बच्चा है ना वो चला गया था उसके केज में, तो बहुत ज्यादा वो घबराया हुआ था, मतलब एक तरफ डर के बैठ गया था। ये जो रैबिट्स होते हैं ये इसी तरह यार बहुत ज्यादा डरते हैं, मतलब हल्का सा इनको डरा दिया जाए तो ये बेचारे यार डर के एक साइड पे बैठ जाते हैं। नरम सा इनका दिल होता है, छोटा सा, ये बहुत जल्दी यार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इस वजह से ना अब ये उधर चला गया था, तो अब पता है क्या करना है, ये साइड पे आप देख रहे हो जिसने ईंटें लगाई हुई हैं, हम ये इनके जो प्रॉपर सुराख हैं ये प्रॉपर कवर कर देते हैं, प्रॉपर बंद कर देंगे, सीमेंट लगा के ईंटें लगा देंगे, ताकि भाई गलती से भी दोबारा कोई हमारा रैबिट उधर ना चला जाए या
इधर ना आ जाए, क्योंकि भाई पहले ही एक रैबिट इनका मर चुका है और अब दोबारा नहीं। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में भाई बहुत अच्छे से ये अंडों को इनक्यूबेट करती हैं और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अंडों में से निकल आते हैं। खैर इसका इतना इशू नहीं होता। और जो हमारी फ़ीमेल है वो अभी तक जाके नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? क्योंकि हमने एक दफ़ा उसको थोड़ा सा डरा दिया है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं और कवर कर देते हैं। अभी तो कोई अंडा नहीं दिया, ये अंडों वाली खुराक खा रही है लेकिन अंडा कोई नहीं। अभी भी देख लो कैसे, मतलब डर बिल्कुल भी नहीं है यार इनके अंदर। अब तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती हैं क्योंकि मेरे साथ अब अटैच हो गई हैं। मैं इनको रोज़ खाना डालता हूँ ना, तो अब ये मेरे साथ काफ़ी अटैच हो गई हैं। और अभी इनका सिर्फ एक ही दिल है कि मैं साइड पे हो जाऊँ और इनको बाहर आने दे दूँ। आप लोगों को बाहर नहीं आने देना अभी। चलो 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 चलो। अभी ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमारा एक बजी इधर उड़ के आ गया। ये बैठा खाना खा रहा था और जैसे ही मैं आया ये डर के उड़ गया बेचारा। लेकिन है माशाल्लाह से बहुत प्यारा। आपकी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं? कितने अंडे दिए हुए हैं मुझे बताओ। उन्होंने भाई अपनी फीमेल को अकेला नहीं छोड़ा, मतलब उनके पास ही रहे हैं और इधर ही रहे हैं। वरना अगर ये चाहते तो ये भी जा सकते थे भाई, दरवाज़ा खुला था तो ये भी भाग सकते थे। खैर नहीं भाग के गए। और यार ये पानी में इतने पर किसके टूटे हुए हैं? मुझे लगता है ये जो बच्चे हैं ना, इस बच्चे को किसी ने मारा है। इतने पर देख लो कितने ज़्यादा इसके पर टूटे पड़े। और ये हमारे कबूतरों के काम चेक करो भाई, पता नहीं इधर क्या चीज़ है। बाजरा गिरा हुआ है। ओए बाजरा इनका प्रॉपर ख़त्म हुआ पड़ा है भाई, बाजरा फुल ख़त्म है। तो यहाँ से ये बाजरा ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। इनका भी बाजरा ख़त्म है और इधर से मेगा केज में भी भाई बाजरा मुकम्मल ख़त्म हुआ पड़ा है। इनका बाजरा ख़त्म हो चुका है, ये हमारे कबूतरों के लिए बाजरा ख़त्म हो चुका है। और वो बाहर से ढूंढ ढूंढ के बाजरा खा रहे हैं भाई सारी तरह, मतलब इनके लिए भी बाजरा ख़त्म हो चुका है। सबका बाजरा आने वाला है, बाजरा सबके लिए लेके आना पड़ेगा। और सुबह हमने जो काम करना है वो ये भी करना है कि भाई इनकी जो दीवार है ना, उसके ये जो होल हैं, सुराख हैं, ये बंद करने हैं, क्योंकि खरगोश उधर चले जाते हैं तो ऐसे कोई नुकसान ना हो जाए। और सुबह हमने ये भी लाजमी से करना है। बाकी भाई फाइनली यार माशाल्लाह से भाई बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद हमारे ब्राउन वाले कबूतरों ने दोनों अंडे दे दिए। एक भी नहीं, माशाल्लाह दोनों अंडे दे दिए। अब दुआ ये है यार कि ये दोनों के दोनों अंडों को अच्छे से इनक्यूबेट करें, दोनों में से बच्चे निकल आएँ, फिर हम इसका एक बच्चा उठा लेंगे और उसको फिर हैंड टेम करेंगे। तो यार आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लेना। मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।